हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। तो आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आज हम बना रहे हैं तिल गुड़ क्रैकर की कुल्फ़ी। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राइट क्रंच का बेक्ड तिल गुड़ क्रैकर। तो अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ये बेक्ड है। और अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है एकदम ही फाइन पाउडर में। तो यहाँ हमारा तिल गुड़ क्रैकर का पाउडर हो गया है रेडी, इसे साइड रख दें। और अब एक बोल में 250 ml के करीब फ्रेश क्रीम ले और इसमें डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चीनी या फिर जितना भी मीठा आपको पसंद हो। और अब इस क्रीम को हमें अच्छे से व्हिप कर लेना है। तो इसमें आपको 10 से 12 मिनट के करीब लगेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इसमें डाल दें तिल गुड़ क्रैकर का पाउडर जो हमने रेडी किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर दें इसमें। सो हमारा तिल गुड़ कुल्फी का बेस हो गया है रेडी। अब इसे हमें सिर्फ मोल्ड में डाल देना है और कुछ भी नहीं करना। तो आप सारे मोल्ड को अच्छे से फिल कर लें और इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डाल दें और इसे फ्रीज होने के लिए रख दें 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो थी ना ये कुल्फ़ी की रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो हमारी तिल गुड़ की कुल्फ़ी हो गई है रेडी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और ये रेगुलर कुल्फ़ी से थोड़ी सी डिफरेंट भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।